चॉकलेट कुकीज गाने अभी गेदर चॉकलेट कुकीज साधन क्या दिने अभी चॉकलेट कुकी साधन अरंती बटर ग्राम बितरिया मैं कुड़ा चॉकलेट ग्राम देती दुमर सीनी ग्राम सी खुद सीनी ग्राम सी पापी ग्राम में सूगा कोको पाउडर मिसाइन दीजिएगा कॉर्नफ्लावर मिसाइन मिसाइन लुणुकुड़ तेहन दी भाग गया बेकिंग पाउडर तेहन दी भाग गया सब वैनिला रखने देना अभी कितनी मिर्च करना अभी तेहन दी भाग गया कुछ रहा अभी है ना कुकी से कहा था नोन गया अपना मैं बटर दाएँ ना हदा मिक्स करने अरे अभी मैं ये तारा बटर ग्राम में किसी इसमें इकट्ठा दागा ना बोल रहे थे तो वैसे मुर्दीन ग्राम सी आई तो तीन ग्राम सी है इधर मैं कटे कुछ कर गया ना इधर का कलर आंकर करना हरी अभी दें बटर भी सुधी नहीं दूध से नहीं दायना खालो आंकर करता मेकर तो बस मेकर डाबी ते ऐसी बागिया मैं नहीं लेकर दूर गाऊं वैसे आप ये कहा है फलों अंदर का नहीं अरे अभी मैं इधर बस से मैं इधर वैनिला टी का दागना फलों फलों अंदर का तेल बस से पांपिटी का मैं किसी आसपास दागा हूँ मैं इधर तो वैसे अभी ये का फलों अंदर का नहीं हरी अभी इधर से पाँच बीट ग्राम में कितने आसू बद्दा है ना खालो अंदर का ता एक डाबी में एक लोगों का गन्ने को भी तेरे दागों में तो वैसे अभी एक आया खालो अंदर का हूँ अरे अभी दम में बेंगड़े बीच तरह दागना खालो अंकर करता डबसे अभी यार वो गुलंड गाने की हुआ मैं कोको पाउडर में सैंडी देगा कॉर्न फ्लावर में सैंडी लून कुड़ते हैं दिबागे बेकिंग पाउडर ते हैं दिबागे मैं कड़े कदू करूँ अरे अभी मैं कोको पाउडर में सैंड देगा कॉर्न फ्लावर में सैंड दाई लुणु कुड़ू ते हैं दिबागे मैं बेकिंग पाउडर ते हैं दिबागे दाई ना कलवां कर गत्ता इड बस यार वो गोलंडा करने की हुआ मैं चॉकलेट मैं ग्राम देसी या मैं कर दागा हूँ ये दागा नहीं जब एक बार मुख में दागा ने मैं टिकट टिकट दाना का बंदा मैं कलवां करने अरे अभी मैं गया और नहीं ट्रे कर रहा थोड़े ज़्यादा आला तेल दिया का नहीं कि मैं उधर गया था मैं इधर वैसे आप ये रहा दांत बिस्कुट मिशन है मैं इधर उधर खा रही ना बोल रहा इधर रहा दांत मैं पूरी मेहनत किया था
අර අපි අර හදාගත්තු බිස්කට් මිශ්‍රණය මේ වගේ බෝල හදාගෙන මේ අර අවන් ට්‍රේ ගුඩින් තියාත්තා අපි මේ හදාගත්තු ටික තව පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා තමයි බේක් කරගන්න ගන්න. අපි එහෙනම් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා පැකින් බේක් කරගමු. හරි අපි දැන් අර හදාගත්තු බිස්කට් මේ ටික පැයක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගත්තා. අපි දැන් මේක විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරගෙන තියන්නේ සෙල්සියස් අංශයක 100කට. ඊට පස්සේ අපි මේක සෙල්සියස් අංශයක 165ක විතර උෂ්ණත්වය විනාඩි 18ක් 20ක් විතර බේක් කරගන්න ඕන. අපි එහෙනම් දැන් මේක බේක් කරගෙන බලමු මේ බිස්කට් එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපි අවන් එකක් නම් දාලා විනාඩි 20කින් පස්සේ මේ බලමු අපේ බිස්කට් එක කොහොමද කියලා. बलापुर अदी समुकरण।